एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है दिवाली से एक दिन पहले वाला दिन। आज मैं सोच रही हूँ कि जितना भी सारा डेकोरेशन है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि कल जो है होंगे ढेर सारे काम। कल रंगोली भी बनानी है और पूजा वाला जो भी जगह है उसको भी ऑर्गेनाइज करना है, उसको भी सजाना है। तो थोड़े थोड़े करके रखो रहो तो ज़्यादा ईजी होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने रूम का जो डेकोरेशन है वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो शुरुआत करते हैं क्लीनिंग से। वैसे तो मैंने बहुत सारी जगहों का क्लीनिंग जो है वो एक दो दिन पहले से ही कर लिया है, बट कुछ कुछ जगह पे बाकी है। क्या कर दिए बेटा? टूट गया ना? जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें जो है हमें हटानी पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को हटा दिया था और हमारी जो हाउस हेल्पर हैं वो आके क्लीन कर गई, तो मुझे थोड़ा सा ईजी हो जाता है, उनसे हेल्प मिल जाती है। बस आपको जो जगह है वो खाली करनी पड़ती है, उसके बाद में जो है वो क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं क्योंकि इस चेयर के लिए इतना ही स्पेस है, थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना तो वो सेट नहीं होता है। और बाकी हमारे पास इसके अलावा और कोई स्पेस है नहीं। और अभी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है और सबसे मतलब कह सकते हैं मेरे लिए भारी चीज़ है वो है फ़ैन साफ़ करना। तो यहाँ पे जो है मैंने चढ़ चढ़ के फ़ैन को भी क्लीन कर लिया है। और फ़ैन जो है वो मैंने नेक्स्ट ईयर क्लीन नहीं किया था, तो मैं हुलिया दिखा दे रही हूँ, तो मेरा कुछ हुलिया ऐसा है। तो फ़ैन को भी क्लीन कर लिया है सॉरी। और उसके बाद में सब कुछ क्लीन करने के बाद में चलते हैं डेकोरेशन के लिए। तो मैंने यहाँ पे फेरी लाइट को निकाल लिया है, मेरे पास पिछले साल का ही था और एक दो जो है मैंने वो इस साल मंगाया है। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे जो है मैं वो फेरी लाइट को सेट कर देती हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने यहाँ पे बेड पे सेट कर लिया है। थोड़ा सा अच्छा लगता है रूम का लुक। और यहाँ पे देखिए मैं चला के भी देख रही हूँ, तो ये तो हो गया। और अभी जो है अलमारी वाला भी मैंने लगा लिया था, तो अभी यहाँ पे बेड के सेंटर टेबल के पास भी थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि कुछ जो है वो ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे पास एक कपड़ा था जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसका प्रिंट गोल्डन है और कलर भी लाइट है, तो कुछ भी इस पर मैं रखूँगी तो वो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जो है मैं कांच के बोतल में ऐसे कुछ फेरी लाइट जो एक्स्ट्रा बच गए थे उसको मैंने इसमें डाल दिया। और उसमें मैंने एक फ्लावर लगा लिया है जो मैंने आपके साथ बहुत जल्दी शेयर किया था मीसो में। तो यहाँ पे जो उसको लगाने के बाद में मैं यहाँ पे कुछ सो पीसेस रख दे रही हूँ जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। मैं हमेशा तो नहीं रखती हूँ क्योंकि ये कांच के हैं और जौन से थोड़ा सा डर लगता है। और यहाँ पे जो है मैं थोड़े बहुत डेकोरेशन कर रही हूँ। वैसे तो ये जो दिया वगैरह है वो मैं कल जलाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाइट वगैरह सब कुछ सेट कर दिया है। और ये जो कलर है वो 3 कलर में जलता है, तो ये दूसरा कलर मैं आपको थोड़ा सा जला के दिखा रही हूँ। तो अभी जो है यहाँ का लुक कुछ ऐसा है। तो चलिए वो तो हो गया, अब बेडशीट को चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पुराने वाले बेडशीट को हटा दे रही हूँ, उसको क्लीनिंग के लिए डाल दूँगी और यहाँ पे जो है मैं न्यू बेडशीट बिछा लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे फेरी लाइट को भी सेट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें एक दो दिन पहले आप करके रखो तो इजी रहता है, एक ही साथ करने चलो तो थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। और यहाँ पे जो है मुझे रोज़ नहीं मिला, तो ये वाला फ्लावर जो है वो चल जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ कुछ डेकोरेशन जो है वो मैं आज से करके रख दे रही हूँ, ऐसे देखने में भी अच्छा लगेगा। मैं नाइट में जला के दिखाऊँगी आपको, और ऐसे करो तो थोड़ा ईजी रहता है। Thank you.
और अभी जो बेड वाला दूसरा सेंटर टेबल है ना, वो भी मुझे कुछ कुछ खाली सा लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने एक क्लीन कपड़ा दे दिया है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है मैंने बुद्ध जी की एक मूर्ति रखी है, और यहाँ पे जो मैं कुछ शोपीसेस रख दी हूँ जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और लाइट वगैरह चलाने के बाद में शाम में इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पर जो मैंने फ्लावर रखा था उसका एक यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ, और दिया चलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और दियों से जब हम घर को सजाते हैं ना, तो वो हमें एक अलग ही खुशी देती है, और ये सब करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके मैं ये सब कुछ करती रहूँगी। तो ऐसे क्या होता है ना कि हम टायर्ड भी नहीं होते हैं, और हम जैसे चाहते हैं वैसे इस दिवाली हम अपने घर को सजा भी पाते हैं। तो अभी यहाँ का लुक कुछ ऐसा लग रहा है, आप देख सकते हैं। और ये है पूजा वाली जगह जहाँ पे मैं पूजा करने वाली हूँ। तो जब मैं करूँगी ना, तब मैं यहाँ पे जो है वो गणेश लक्ष्मी जी को रखूँगी, बट फिलहाल मैं आज एक दिन पहले वाला दिन है तो यहाँ पे जो है मोमबत्ती मैंने कर दी है, ताकि ऐसा ना लगा कि मैंने भगवान को रख दिया बट वहाँ पे मैंने दिया नहीं किया। तो अभी जो है मैंने कुछ कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी वो दिए हैं, आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये था मेरा बेडरूम का मेकओवर, या फिर कह सकते हैं मस्त बेडरूम मेकओवर वीडियो। और फॉर दिवाली मैंने दिवाली के लिए इसको रेडी किया है, और इसका इंट्रो जो है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो जस्ट मैंने अभी इसका इंट्रो रिकॉर्ड किया है। तो चलिए, मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।